अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी फैक्ट्स बाय लारा। सो आज का हमारा टॉपिक है पीपीएससी पास सॉल्व साइकोलॉजी पेपर, जिसमें मैं सॉल्व एमसीक्यूज आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगी उर्दू में, और साथ कुछ टिप्स भी हम सीखेंगे कि ड्यूरिंग एमसीक्यूज हमें किस तरह से स्टेटमेंट को देखना चाहिए, किस तरह से ऑप्शन को डिसमिस करना चाहिए, और फाइनल आंसर किस तरह से हमें फाइंड आउट करना चाहिए। So before moving on to the MCQs, please subscribe the channel for the latest content. Now let's move towards the MCQs. Number one is, the group in an experiment which received no treatment is called option A, control group, option B, experimental group, and option C, no group. So यहाँ पे options में option number B जो है वो experimental group है, जिसका meaning obvious है कि ऐसा ग्रुप जिसपे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है और जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके रिजल्ट्स एनालाइज किए जाते हैं। नो ग्रुप तो कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, ना ही इसका कहीं पे नाम सुना है। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो रिजेक्टेड। एंड नंबर वन इज कंट्रोल ग्रुप। सो द राइट आंसर इज कंट्रोल ग्रुप, जिसको जस्ट कंपेरिजन के लिए एक्सपेरिमेंट में रखा जाता है, ताकि एट द एंड दोनों ग्रुप्स यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के रिजल्ट्स को एनालाइज और कंपेयर किया जाए। नंबर टू, द पोर्शन ऑफ योर नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल ब्रीथिंग एंड डाइजेशन इज ऑप्शन ए, एक्सॉन, ऑप्शन बी, ऑटोनॉमिक, ऑप्शन सी, लीनियर सर्किट, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। सो इस एमसीक्यू का मीनिंग है, ऐसा कौन सा पोर्शन है नर्वस सिस्टम का जो ब्रीथिंग एंड डाइजेशन को कंट्रोल करता है। सो ऑप्शन नंबर वन है एक्सॉन। एक्सॉन तो न्यूरॉन का पार्ट है, जो कि न्यूरल कम्युनिकेशन जो है वो पास ऑन करता है दूसरे न्यूरॉन को। सो ये ऑप्शन बी बिल्कुल रिजेक्ट होता है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक की एक्सप्लेनेशन को आपने देखना है कि ऑटोनॉमिक जो है उसका क्या मीनिंग है। ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री जितने भी प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में उनको डील करता है। और नंबर सी है लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट जो है वो नॉर्मली ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है। हमने नॉर्मली सुना है न्यूरल सर्किट, जो ब्रेन में जो भी कम्युनिकेशन बॉडी पार्ट से जाती है और ब्रेन के इंटरनली जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो न्यूरल सर्किट्स के जरिए होते हैं। सो ये ऑप्शन भी क्रॉस है। एंड नन ऑफ दीज नहीं, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस को डील करता है और हमारी ब्रीथिंग एंड डाइजेशन भी इनवॉलेंट्री होती हैं। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑटोनॉमिक। नंबर थ्री, द कलर स्मेल एंड फीलिंग ऑफ द फ्लावर्स आर रिलेटेड थ्रू विच पार्ट ऑफ ब्रेन। ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि कलर और स्मेल और फीलिंग ऑफ फ्लावर्स को असेस करता है। नंबर वन ऑप्शन है एसिटाइल कोलीन, नंबर बी थैलेमस, सी मोटर एरिया, एंड डी नन ऑफ दीज। एसिटाइल कोलीन तो न्यूरोट्रांसमीटर है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन, तो ये हम पहले ही क्रॉस कर देते हैं। थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड ऑप्शन सी मोटर एरिया। अब मोटर एरिया नाम से इंडिकेट हो रहा है, इट डील्स विद मसल ग्रुप्स, मोटर एक्टिविटीज, सो ये भी ऑप्शन क्रॉस हो गया। नेक्स्ट रह गया ऑप्शन बी थैलेमस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो थैलेमस जो है वो स्मेल, कलर और फीलिंग ऑफ फ्लावर से रिलेट करता है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है कलर से रिलेटेड, स्मेल से रिलेटेड, वो थैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन की तरफ जाती है। सो वी कैन से दैट राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, थैलेमस। नंबर फोर, A hungry person would find food to be a option A, primary reinforcer, option B, secondary reinforcer, option C, none of these. Primary reinforcers जो होते हैं हमारे biological needs पे base करते हैं, ठीक है, और biological needs हमारी बहुत सी हैं जो कि innate होती हैं। And secondary reinforcers जो होते हैं वो monetarily भी हो सकते हैं और कुछ भी वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, जिसमें हमें अप्रेज चाहिए, इंकरेजमेंट चाहिए, और कोई भी मॉनेटरी गेन से रिलेट कर सकते हैं इसको। सो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्राइमरी रीइंफोर्सर्स, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है, हंगर, थर्स्ट,
एक्सेट्रा, ये हमारे सारे बायोलॉजिकल रीइंफोर्सर्स होते हैं, बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं. सो राइट ऑप्शन इज हंग्री पर्सन वुड फाइंड अ फूड टू बी अ प्राइमरी रीइंफोर्सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने की होती है. नंबर 5, अ साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन यू दैट लर्निंग कैन बी बेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस. व्हाट थ्योरी इज बीइंग स्टेटेड? स्टेटमेंट में ऑब्वियस है थॉट प्रोसेस, और ऑप्शन है सोशल लर्निंग, ऑप्शन बी कॉग्निटिव लर्निंग, एंड ऑप्शन सी ट्रायल एंड एरर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो सोशल लर्निंग जो थ्योरी होगी वो ज़्यादा सोशल नॉर्म, सोसाइटी, सोशल बिहेवियर से रिलेट करेगी, तो उसमें डायरेक्ट जो है थॉट प्रोसेस की बात भी होगी. सो ये ऑप्शन तो नहीं होगा राइट ऑप्शन. ऑप्शन बी है कॉग्निटिव लर्निंग. कॉग्निटिव लर्निंग इज रिलेटेड टू कॉग्निशन, थिंकिंग, सो वी कैन कंसिडर दिस ऑप्शन. एंड ऑप्शन सी इज ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर तो मेथड है, सो इट्स नॉट अ थ्योरी. सो हम जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, क्योंकि कॉग्निटिव लर्निंग ही थॉट प्रोसेस के साथ डील करती है. सो राइट ऑप्शन इज कॉग्निटिव लर्निंग. नंबर 6, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, अ पर्सन विद नो जॉब, नो फ्रेंड एंड नो हाउस कैन बी सेल्फ एक्चुलाइज्ड. अगर मैस्लो की थ्योरी जिसने पढ़ी है तो उसको पता होगा कि मैस्लो की थ्योरी में सबसे टॉप पे जो है वो सेल्फ एक्चुलाइजेशन है. और अकॉर्डिंग टू मैस्लो, अगर पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स पूरी होती हैं, तभी वो सेल्फ इस्टीम अचीव करता है, और उसके बाद जो है वो सेल्फ एक्चुलाइज्ड हो जाता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो, अगर किसी भी पर्सन के पास जॉब भी नहीं है, उसके फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, उसके पास सिक्योरिटी भी नहीं है, रहने के लिए भी प्रॉपर हाउस नहीं है, तो क्या वो सेल्फ एक्चुलाइज हो सकता है? सो राइट ऑप्शन वुड बी 100% नो, क्योंकि मैस्लो ने कहा कि जो एक स्टेज को, एक नीड को पूरी करता है, उसके बाद जो है वो फर्दर नेक्स्ट स्टेजेस पे जाता रहता है, एट द एंड जो है वो सेल्फ एक्चुलाइज हो जाता है. सो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी 100% नो. नंबर 7, अ नीड टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर पीपल. ऑप्शन ए अचीवमेंट मोटिवेशन, ऑप्शन बी नीड फॉर एफिलिएशन, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज. सो यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी लग रहा है, नीड फॉर एफिलिएशन, क्योंकि नीड फॉर एफिलिएशन मीन्स टू मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर. सो राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन बी, नीड फॉर एफिलिएशन, क्योंकि अचीवमेंट मोटिवेशन इज रिलेटेड टू अचीविंग योर गोल्स एंड योर प्रायोरिटीज. सो वहाँ पे सोशल रिलेशनशिप या मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद पीपल नहीं आएगा. सो नीड फॉर एफिलिएशन इज द राइट ऑप्शन. नंबर 8, टर्म NH वॉज इंट्रोड्यूस बाय ऑप्शन ए मैक्लेलैंड, ऑप्शन बी यंग, ऑप्शन सी मैस्लो, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो हम कंसिडर करते हैं जो फेमस है मैस्लो. मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स ज़्यादा फेमस है, और उसमें टर्म NH कहीं पे भी यूज़ नहीं की गई. यंग जो है वो फेमस है अपने आर्कीटाइप से, और अपने एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन कॉन्सेप्ट से. सो उसने भी अचीवमेंट या NH टर्म को यूज़ नहीं किया. सो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो रिजेक्टेड हैं. एंड द नंबर 1 इज मैक्लेलैंड. मैक्लेलैंड भी फेमस है अपनी एक थ्योरी ऑफ नीड से. सो हम देखते हैं राइट आंसर क्या है. राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन ए मैक्लेलैंड, और NH मीन्स नीड ऑफ अचीवमेंट. और इस थ्योरी, अब मैक्लेलैंड ने अपनी थ्योरी दी थी जिसको थ्योरी ऑफ नीड्स कहा जाता है, और इसमें 3 नीड्स को डिस्कस किया था. उसने कहा था यही मोटिवेटर्स होती हैं, और इनमें से कोई एक नीड जो है इंसान में डोमिनेंट होती है. एंड नीड ऑफ अचीवमेंट है नंबर 1, जिसमें प्रायोरिटीज होती हैं, गोल्स से रिलेटेड होती हैं, और नीड फॉर एफिलिएशन होता है सोशल रिलेशंस और अपनी रिलेशनशिप्स फॉर्म करना. इसमें सोशल नॉर्म्स को जो है वो पर्सन बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, और रिजेक्शन फेस नहीं करना चाह रहा होता, इसलिए वो कन्फॉर्मिटी हर जगह शो करता है. और नीड फॉर पावर जो होता है वो ज़्यादातर लीडरशिप स्किल से रिलेट करता है, जिसमें फेम प्रेस्टीज जो है वो पर्सन को ज़्यादा चाहिए होता है, एंड ही वॉन्ट्स टू कंट्रोल अदर, और डोमिनेंट जो है रहना पसंद होता है. सो मैक्लेलैंड की जो थ्योरी थी वो क्या थी? थ्योरी ऑफ नीड्स, और इसमें ये टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी. नंबर 9, रिप्रेशन रेफर्स टू ऑप्शन ए प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म,
option B, regression, and option C, frustration, and option D, none of these. So repression term जो है वो basically हमें पता है कि वो defense mechanism है और Freud ने दिया था, और regression भी एक defense mechanism है, so वो तो इससे relatable नहीं है, so हम इसको cross करते हैं. And frustration is a term, ठीक है, और इसका मतलब है annoyance, और इसका मतलब है टू बिकम एंग्री व्हेन यू डोंट अचीव योर पर्टिकुलर गोल. सो ये भी हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं. एंड प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड टू प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जिससे फर्दर जो है बाकी डेरिवेटिव डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं, और इनका मेन क्या पर्पज़ होता है, पेनफुल और ट्रॉमा से रिलेटेड ऐसी थॉट्स जो कि पेनफुल हैं, आप उसको कॉन्शियस स्टेट में लाने से अवॉइड करते हो. और डिनाइल में भी ऐसा ही होता है, जब आप इट डिड वर्ल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत थ्रेटफुल होती है. सो बेसिकली डिनाइल और रिप्रेशन जो हैं वो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म कहलाते हैं, और इनसे ही फर्दर डिफेंस मैकेनिज्म जनरेट होते हैं. Number 10, enduring dimensions of personality characteristics differentiating people from another is called option A, factor analysis, option B, trait, and option C, determinism, and option D, none of these. So, statement ye hai ke dimensions personality ki jo ke ek person ko dusre person se differentiate karti hain, aur option A hai factor analysis. फैक्टर एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल मेथड, तो ये तो नहीं डिफरेंशिएट करती, सो ये ऑप्शन हम रिजेक्ट करते हैं. एंड ऑप्शन सी है डिटर्मिनिज्म. डिटर्मिनिज्म तो एक डॉक्ट्राइन है जो कि ये कहता है कि इंसान के पास फ्री विल नहीं है, देर इज नो फ्री विल इन ह्यूमन बींग्स, और जो भी होता है, जो भी इवेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लाइफ के, वो इंसान के कंट्रोल में नहीं है. सो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट होता है. एंड द लास्ट ऑप्शन दैट इज मोर रिलेटेबल वो है ट्रेट. ट्रेट बेसिकली हमारी एक कंसिस्टेंट पैटर्न होता है पर्सनैलिटी का, जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करता है एक इंडिविजुअल से. सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ट्रेट. नंबर 11, The theory which suggests that people learn attitude by observing their own behavior. अब यहाँ पे own behavior की बात आ रही है, तो हमने MCQ options को उसके accordingly देखना है. Option A है operant conditioning. Operant conditioning में तो ज़्यादा concern है conditioning से. So यहाँ पे हम इस option को reject करते हैं. Option C है CR. CR stands for conditioned response. अब ये भी इससे relatable नहीं है. एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, और जो लेफ्ट ऑप्शन है जो रिलेटेबल लग रहा है वो सेल्फ परसेप्शन है. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सेल्फ परसेप्शन. और सेल्फ परसेप्शन की थ्योरी यही कहती है कि इंसान अपने ही एटीट्यूड को एनालाइज करता, ऑब्जर्व करता है, और वहीं से वो लर्न करता है. ठीक है, अपने बिहेवियर को एनालाइज करके वो एटीट्यूड जो है वो पर्टिकुलर एटीट्यूड लर्न करता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Number 12, theory of cognitive dissonance is offered by option A, Skinner, option B, Bandura, option C, Festinger, and option D, none of these. Skinner जो है वो famous है, obvious है अपनी operant conditioning से, so इसको भी हम reject करते हैं. And Albert Bandura जो है उसने theory दी थी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की. एंड फेस्टिंगर जो है वो लेफ्ट ऑप्शन है, और फेस्टिंगर ने ही कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी दी थी. सो द राइट ऑप्शन इज फेस्टिंगर. नंबर 13, द एबिलिटी टू व्यू द वर्ल्ड इन थ्री डायमेंशंस एंड परसीव डिस्टेंस इज ऑप्शन ए, डेप्थ परसेप्शन, ऑप्शन बी, इल्यूजन, ऑप्शन सी, डिल्यूजन, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. सो डिल्यूजन जो है वो फॉल्स बिलीव होता है जो कि अनशेकेबल होता है. सो हम इस ऑप्शन को तो बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये डेप्थ परसेप्शन डिस्टेंस को और व्यू से रिलेटेड जो है वो नहीं आता. एंड इल्यूजन जो होता है वो फॉल्स परसेप्शन होता है. ठीक है,
जिसमें हम समटाइम्स धोखा खा जाते हैं, जो चीज़ असल में जैसी होती है वैसी नज़र नहीं आ रही होती है, ठीक। एंड डेप्थ परसेप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि थ्री डायमेंशंस व्यू जो है हम वो डेप्थ परसेप्शन के ज़रिए ही देखते हैं, और डिस्टेंस के लिए भी हमें डेप्थ परसेप्शन रिक्वायर्ड होती है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डेप्थ परसेप्शन। नंबर 14, अकॉर्डिंग टू बेंदूरा, वन इज सोशलाइज्ड बाय ऑप्शन ए पनिशमेंट, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी फूड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एल्बर्ट बेंदूरा की थ्योरी अगर हम याद करें तो एल्बर्ट बेंदूरा की थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी उसको कहा जाता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन। अकॉर्डिंग टू बेंदूरा हम सोशलाइज जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए होते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करके हम बहुत सी चीज़ें लर्न करते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 15, क्लाउडिंग कॉजेज इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड लेवल ऑफ एड्रेनलिन, एंड द राइट ऑप्शन इज़ येस। रिसर्च ने भी इंडिकेट किया है कि जो क्लाउडिंग एरियाज में ज़्यादा जाते हैं या जो क्राउड की वजह से उनकी हार्ट रेट और एड्रेनलिन लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। नंबर 16, स्टडीज डेमोंस्ट्रेट दैट ग्रेटर जेनेटिक सिमिलैरिटी इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर सिमिलैरिटी ऑफ एटीट्यूड्स, एंड द राइट ऑप्शन इज ट्रू, क्योंकि ट्विन स्टडीज यही इंडिकेट करती हैं कि जितने भी वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उनके एटीट्यूड्स भी सिमिलर होते हैं। नंबर 17, अ थ्योरी दैट स्टेट्स दैट इमोशंस आर जॉइंट रिजल्ट ऑफ नॉन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल अरोजल एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द अरोजल इज कॉल्ड ऑप्शन ए टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन, ऑप्शन बी जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन एंड ऑप्शन सी बेम्स थ्योरी ऑफ इमोशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। सो मेन पॉइंट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल अरोजल एंड इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन सी जो है बेम्स थ्योरी ऑफ इमोशन लिखा हुआ है, लेकिन बेम्स ने कोई थ्योरी ऑफ इमोशन नहीं दी, बेम्स हैज गिवन अ थ्योरी ऑफ सेल्फ परसेप्शन। सो ये ऑप्शन तो क्रॉस हुआ। ऑप्शन बी है जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन। जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन, जेम्स ने और लैंग ने ही इनका फोकस यही था कि हम इमोशंस फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस के बाद उसको एनालाइज करते हैं कि ये फियर की स्टेट है या हैप्पीनेस की स्टेट है। तो ज़्यादा कंसर्न जो था वो जेम्स लैंग का फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस पे था, और टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन में इंटरप्रिटेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और इसमें रीजनिंग इन्वॉल्व थी कि हम सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके साथ साथ हम उसको रिलेट करते हैं किसी भी इमोशन से, वो फियर भी हो सकता है और हैप्पीनेस भी हो सकता है। तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन या स्केचर सिंगर थ्योरी वो ज़्यादा फोकस करती है इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग पे, उसके बाद जो है वो फियर एसोसिएट होता है इसके साथ। सो द राइट ऑप्शन इज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन। नंबर 18, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बायोलॉजिकल बैलेंस इज कॉल्ड ऑप्शन ए इंस्टिंक्ट, ऑप्शन बी नीड, ऑप्शन सी होमोस्टेसिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इंस्टिंक्ट्स तो हमारी इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नीड्स भी इसका राइट ऑप्शन नहीं है, एंड होमोस्टेसिस इज द राइट ऑप्शन जो कि प्रोसेस होता है हमारी इंटरनल बायोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है जिसमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 19, द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी दैट प्रोवाइड अ बफर बिटवीन द इड एंड आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन ए सुपर ईगो, ऑप्शन बी ईगो, ऑप्शन सी ईगो आइडियल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज सुपर ईगो। सुपर ईगो तो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है और ज़्यादातर कंसाइंस से रिलेटेड होता है और रिलीजन इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। सो दिस ऑप्शन इज रिजेक्टेड। ऑप्शन बी है ईगो। ईगो जो है वो मीडिएटर होता है इड एंड सुपर ईगो के, और ज़्यादातर ग्रेटिफिकेशंस को डिले करने का काम जो है वो ईगो का होता है और इसके साथ साथ ये रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एंड ऑप्शन सी है ईगो आइडियल। ईगो आइडियल इज़ बेसिकली अ पर्सन ऑन
माइंड सेट के मुझे अपना ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो किस तरह की बनानी है, और ये नॉर्मली पेरेंट्स और सोसाइटी नॉर्म्स से रिलेटेबल होती है, और उन्हीं के ज़रिए इंसान जो है अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की, अपनी ओवरऑल जो है वो सेंस ऑफ सेल्फ को चेंज करने की कोशिश करता है, और एक माइंड सेट होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टेज तक जाना है और इस तरह की पर्सनालिटी मुझे बनानी है. सो ये ऑप्शन भी रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट का मेन कंसर्न जो है वो इड एंड आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड के दरमियान बैलेंस है, और वो बैलेंस कौन करता है? ईगो करता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ईगो. नंबर 20, स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम कैरी ऑप्शन ए मैसेजेस, ऑप्शन बी रिफ्लेक्सेस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द ए एंड बी. सो फर्स्ट ऑप्शन है मैसेजेस एंड ऑप्शन बी है रिफ्लेक्सेस. रिफ्लेक्सेस आर रिलेटेड टू मसल्स और मसल ग्रुप्स, ठीक है, लेकिन नर्वस सिस्टम का यूजुअली काम क्या है? कम्युनिकेशन, मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मैसेजेस. नंबर 21, द कम्बिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज और आइडियल्स इन अ नॉवल वे इज कॉल्ड ऑप्शन ए एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन बी क्रिएटिविटी, ऑप्शन सी थिंकिंग. और इसका राइट ऑप्शन है क्रिएटिविटी, क्योंकि क्रिएटिविटी में ही कुछ डिफरेंट वे से इंसान जब अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और अपना रिस्पॉन्स देता है, तो ओवरऑल उसको क्रिएटिविटी कहा जाता है कि एक इंसान अपने ही अंदाज में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. एंड थिंकिंग तो एक प्रोसेस है जो नॉर्मली ही कंटिन्यू होता है, एंड एक्सप्लोरेशन इज समथिंग टू फाइंड आउट, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सेज और आइडियल्स जो हैं और अपने रिस्पॉन्स करना, वो यूजली हम क्रिएटिविटी से रिलेट करते हैं जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी क्रिएटिविटी. नंबर 22, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज बेटर देन इंडिविजुअल टेस्टिंग, एंड द राइट ऑप्शन इज ट्रू, क्योंकि ओवरऑल जो है वो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता. इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं कि एज अ ग्रुप अगर टेस्ट लिया जाए. सो ऑप्शन ए इज ट्रू. नंबर 23, बर्थ टिपिकली अकर्स आफ्टर ऑप्शन ए 40 वीक्स कंसेप्शन, ऑप्शन बी 38 वीक कंसेप्शन, ऑप्शन सी 4 वीक कंसेप्शन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. 4 वीक कंसेप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, एंड यूजुअली जो है वो 40 वीक्स एंड 38 के दरमियान होता है, बट मोस्ट कॉमनली जो है वो बर्थ कंसेप्शन, जो बर्थ जो होती है वो आफ्टर 38 वीक ऑफ कंसेप्शन का होता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 38 वीक ऑफ कंसेप्शन. नंबर 24, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेट ऑप्शन ए बिहेवियर थ्रू टाइम्स एज सब्जेक्ट एज, ऑप्शन बी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एजेस आर कंपेयर्ड, एंड ऑप्शन सी नन ऑफ दीज. So the most appropriate statement is behavior of different ages are compared, and this is the right option. And longitudinal studies में subjects को जो है same subjects को select किया जाता है, और different ages में जो है वो उनको assess किया जाता है, उनके behavior को analyze किया जाता है. So the right option is behavior of different ages are compared. Number 25, the cause of abnormal behavior is only physiological and it is explained by option A psychomedical model, option B medical model, option C psychosocial model, and option D none of these. And the right option is option B medical model, because medical model he relate karta hai physiological effects se, aur isme abnormal in chemical reactions bhi aa sakta hai, chemical imbalance bhi aa sakta hai, that can be through any injury. So the right option is medical model, and psycho model is not any model, or psychosocial model jo hai wo relate kar raha hai social norms, social values or social effects se, or psycho means related to your personality, attitudes. So ye do options jo hai wo rejected hain, aur the right option is medical model. Number 26, once abnormal behavior was associated with witchcraft, option A true and option B false. The right option is true. Or medieval ages ya dark ages ko agar hum dobara se recall kare to usme
abnormal behavior को associate किया जाता था demon से, witchcraft से. So इसी से वो relate करके, spirituality से relate करके उनको diagnose भी किया जाता और उनको deal भी किया जाता था. So the right option is true. Number 27, a feeling of apprehension or tension is option A, frustration, option B, panic, and option C, anxiety. So, and the right option is option C, anxiety, क्योंकि anxiety के अंदर ही apprehension होती है, tension होती है, ठीक है? Number 28, which of the following treatment deal with phobias by gradual exposure? Option A, super ego control. ये तो बिल्कुल ही रिजेक्टेड ऑप्शन है, इसको पहले ही हम रिजेक्ट कर देते हैं. ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ऑप्शन सी रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट भी अप्रोप्रिएट नहीं है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसमें कहा गया है ग्रेजुअल एक्सपोजर और फोबियाज को डील करना. ड्रीम्स कैसे रिलेटेबल हैं फोबियाज को डील करने में, ये भी wrong. And the left option is none of these, and option B systematic desensitization. And systematic desensitization is the right option, क्योंकि इसमें gradually step by step जो है वो exposure किया जाता है treatment phobia से deal करने के लिए. So this is the right option. Number 29, the operation of the brain's neurotransmitters is altered because option A use of LSD, option B use of alcohol, option C none of these. And the right option is option A use of LSD. LSD stands for lysergic acid diethylamide, और ये hallucinogenic effect जो है वो cause करता है by interacting with serotonin, और mind altering drug के नाम से भी ये मशहूर है. और इसके effects जो हैं वो 45 मिनट्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं, जिसमें पर्सन हैल्यूसिनेशन जो है एक्सपीरियंस करता है, डिल्यूजन, और उसका ओरिएंटेशन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है. इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स का उसको बिल्कुल पता नहीं चलता. सो इट हैज़ मोर अल्टरिंग इफेक्ट्स ऑन द ब्रेन न्यूरो ट्रांसमीटर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज LSD. नंबर 30, रिसर्चेस शो दैट पुअर परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ option A poor conditions, option B job satisfaction, option C both A and B, and option D none of these. So job satisfaction is not relatable to this statement. So सबसे पहले हम job satisfaction को cross करते हैं, and poor conditions जो होती हैं overall working environment होता है. According to researches, अगर working environment और working conditions suitable नहीं होती हैं तो person जो है वो अपनी poor performance भी show करता है, and that can be related to absenteeism और low level of job record. So the right option is option A poor conditions. Number 31, the triarchic theory of intelligence suggests that there are option A 4 components, option B 6 components, option C 3 components, and option D none of these. Triarchic theory of intelligence suggests that there are how many components of intelligence? The right option is option C 3 components of intelligence. Or ye theory jo di thi Sternberg ने दी थी, जिसका नाम है स्टर्नबर्ग ट्राईआर्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. इस पे थ्री कंपोनेंट्स या थ्री इंटेलिजेंस की बात की थी. नंबर वन है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसमें एनालॉजी से रिलेटेड होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन्वॉल्व होती है. और नंबर टू है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसमें सॉल्विंग अ न्यू प्रॉब्लम और एनी प्रॉब्लम विद अ नॉवल वे, ठीक है, जब भी आप किसी नॉवल तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आता है. प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, आप उनको किस तरह से सॉल्व करते हो और प्रैक्टिकली आप कितने अच्छे हो, ओवरऑल जो है दैट कैन बी रिलेटेड टू मशीन्स और दैट कैन बी एनी सिचुएशनल एक्टिविटी. सो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उससे रिलेट करती है. Number 32. What can occur if a person believes that a connection exists between act and its consequences when there is no relationship between the two? Option A.
क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन बी सुपरस्टिशियस बिहेवियर, ऑप्शन सी शेपिंग, ऑप्शन डी सिक्वेंशियल लर्निंग एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। सो हम स्टेटमेंट ये है कि पर्सन जो है वो फर्मली बिलीव करता है कि जो एक्शंस हैं और उनके जो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनका आपस में रिलेशनशिप है, लेकिन इन रियलिटी रिलेशनशिप नहीं होता। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उसमें ये बिहेवियरिज्म से रिलेट करती है और इसमें अनकंडीशन स्टिमुलस को कंडीशन किया जाता है, जो कि यहाँ पे जो है उसका लिंक नहीं बन रहा। सुपरस्टिशियस बिहेवियर जो है वो ऐसा बिहेवियर जिसमें पर्सन एक्शंस, जो भी एक्शंस उसके सामने होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को वो रिलेट कर देता है कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा एक्शन होगा तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उस पर वो फर्म बिलीव करता है। एंड शेपिंग इज अ मॉडलिंग वेयर अ पर्सन शेप इज बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग। और सिक्वेंशियल लर्निंग होती है सिस्टमेटिक लर्निंग, जिसमें स्टेप बाय स्टेप पर्सन लर्न करता है कोई भी न्यू एक्सपीरियंस, न्यू स्किल। सो मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सुपरस्टिशियस बिहेवियर, जहाँ पे रियलिटी में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता किसी भी एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस के। बहुत से सुपरस्टिशियस बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं तो यूजुअली वहाँ पे पर्सन का फर्म बिलीव होता है, जिसकी वजह से उसको लग रहा होता है कि जो एक्शंस हैं और कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनका आपस में रिलेशनशिप है और रियलिटी में ऐसा नहीं होता। नंबर 33, लो जॉब सेटिस्फेक्शन इज लाइकली टू ब्रिंग अबाउट हाई एब्सेंटिज्म। अगर एक पर्सन अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या हाई एब्सेंटिज्म होगा? सो देर इज अ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। जितनी ज्यादा लो जॉब सेटिस्फेक्शन होगी उतना ही ज्यादा हाई एब्सेंटिज्म होगी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ट्रू। नंबर 34, द टर्म प्रोपिंक्विटी एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, ऑप्शन बी व्हाई पीपल एफिलिएट विद वन अनदर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो प्रोपिंक्विटी का मतलब है ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, के इंसान कितना ज़्यादा क्लोजनेस शो करता है अपने ज्योग्राफिकल एरिया के लोगों से, और उसके साथ साथ वो एफिलिएट भी करना पसंद करता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नंबर 35, ग्रुप थिंक रेफर्स टू ऑप्शन ए डेटोरिएशन ऑफ मेंटल एफिशिएंसी, ऑप्शन बी डेटोरिएशन ऑफ फिजिकल एनर्जी, ऑप्शन सी थिंक टैंक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ग्रुप थिंक का मतलब होता है जब एज अ ग्रुप आप काम कर रहे हो, हाउ मच यू पुट योर ओन एफर्ट, कि आपने किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जब फाइंड आउट करना है तो आप अपना कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। यूजुअली जब हम ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो हम रिजेक्शन ना फेस करने की वजह से या क्रिटिकल एनालिसिस नहीं देते हैं, किसी भी चीज़ पे क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, ताकि जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं वो इससे अफेक्ट ना हो, अनॉय ना हो, तो जिसकी वजह से हम अपनी एबिलिटीज़ को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते। सो ज़्यादातर ग्रुप थिंक जो है वो नेगेटिव सेंस में इसको एक्सप्लेन किया गया है साइकोलॉजी में, कि यूजुअली ग्रुप के अंदर जो है वो लोग अपने जो हिडन एबिलिटीज़ हैं उनको शो नहीं करते, वो स्टैंड नहीं लेते, और स्टैंड लेने के अलावा मतलब वो प्रॉपरली अपनी मेंटल एफिशिएंसीज को यूटिलाइज नहीं करते। सो ग्रुप थिंक यूजुअली जो है वो डिक्लाइन ऑफ मेंटल एफिशिएंसी कहा जाता है, जिसमें आप अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज नहीं करते। And the right option is option A, deterioration of mental efficiency. Number 36, main function of stimulants are option A, to alleviate tension, option B, to provide energy and alertness, option C, prescribed for insomnia, option C, none of these. Naam se indicate ho raha hai ki jo stimulants hote hain wo hame एनर्जी और अलर्टनेस प्रोवाइड करते हैं, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टू प्रोवाइड एनर्जी एंड अलर्टनेस, जिसमें हम कह सकते हैं जो स्टिमुलेंट्स होते हैं वो कैफीन जो है वो एक स्टिमुलेंट है, इसी तरह कोकेन है वो भी स्टिमुलेंट है, जो कि एनर्जी और अलर्टनेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कुछ प्रिस्क्राइब ड्रग्स भी आ जाती हैं, प्रिस्क्राइब भी हैं, कुछ नॉन प्रिस्क्राइब हैं, ठीक है। और प्रिस्क्राइब फॉर इंसोमिया जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसोमिया में आपको स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको नींद नहीं आ रही होती, लेकिन जो स्टिमुलेंट्स होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा
उस टाइम थोड़े टाइम के लिए जो है वो अलर्ट कर देते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू इंसोमिया. सो राइट ऑप्शन इज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड अलर्टनेस. इकोनॉमिक Thirty-eight. Chromosomal anomalies can be recognized by slanting eyes and flat nose. Option A, Down syndrome. Option B, PKU. And option C, Langdon-Down syndrome. अब Down syndrome and Langdon-Down syndrome relatable लग रहे हैं और chromosomal abnormality से भी relate कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन option B जो है वो बिल्कुल relatable नहीं लग रहा और इसकी ये क्रोमोसोमल एनोमलीज में भी ऐसा कोई भी सिंड्रोम नहीं है. सो हम इस ऑप्शन को क्रॉस करते हैं. डाउन सिंड्रोम जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस कराया था लैंगडाउन ने और इसलिए वो कुछ टाइम के लिए वो लैंगडाउन डाउन सिंड्रोम से भी फेमस था, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट जो नाम है वो क्रोमोसोमल एनोमली का जिसमें स्लैंटिंग आइज एंड फ्लैट नोज होते हैं चाइल्ड के, वो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम. एंड पी के यू स्टैंड फॉर फिनाइल कैटेनोरिया, जो कि क्रोमोसोमल एनोमलीज नहीं होती, बेसिकली इसमें एरर होता है मेटाबॉलिज्म में. और इसके साथ साथ अगर ये ज़्यादा लीड करता है, अगर ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कॉज हो सकती है. नंबर 39. कैरेक्टर्स डिसऑर्डर सच एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर आर डेवलप ड्यू टू डिस्टर्ब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन द later audible phase, paranoid stage, libido, or an option D, none of these. Paranoid stage जो है वो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेज नहीं है. लिबिडो इज अ साइकिक एनर्जी एंड ऑडिबल स्टेज में ऑडिबल फेज में ऑडिबल कम्प्लेक्स को डिस्कस किया गया है. जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है वो एनल स्टेज में आता है. सो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन. एंड एनल स्टेज में क्योंकि टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं क्लीनिनेस से रिलेट करके, तो उसमें उस सिचुएशन में ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स जो है वो चाइल्ड में डेवलप हो जाते हैं. दैट कैन लीड टू डिसऑर्डर और बिहेवियर एज वेल. नंबर 40. अकॉर्डिंग टू पियाजे फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स ऑफ एज लैंग्वेज इज डेवलप्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड ऑप्शन ए प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन बी ईगोसेंट्रिक स्टेज, ऑप्शन सी सेंसरी मोटर स्टेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. ऑप्शन बी ईगोसेंट्रिक स्टेज जो है वो कोई स्टेज नहीं है. प्याजे ने जो है ईगोसेंट्रिक थिंकिंग की बात की है लेकिन उसको स्टेज का नाम नहीं दिया. एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वही स्टेज है जहाँ पे लैंग्वेज जो है वो डिवेलप हो जाती है. चाइल्ड कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम याद करना स्टार्ट कर देता है और इसी स्टेज में इकोसेंट्रिक थिंकिंग भी होती है कि एट द स्टार्ट ऑफ दिस स्टेज उसकी सोच यही होती है कि जो मेरा व्यू पॉइंट है वही वैलिड है और वो दूसरों के व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता. सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर लेफ्ट. ऑप्शन सी सेंसरी मोटर स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पियाजे जो कि बर्थ टू 2 ईयर्स होती है. एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द राइट ऑप्शन जिसमें 2 to 7 ईयर्स ऑफ एज होती है और वहाँ पर इसी स्टेज में लैंग्वेज जो है वो डिवेलप होती है. नंबर 41. स्पीच लाइक बट मीनिंगलेस साउंड अपीयर बिटवीन 3 months to 1 year इज टर्म्ड एज ऑप्शन ए सेंटेंस, ऑप्शन बी बबल, ऑप्शन सी कन्वर्सेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग होता है एंड कन्वर्सेशन में हमेशा मीनिंगफुल स्पीच होती है, मीनिंगफुल आइडियाज़ को डिलीवर किया जाता है, आइडियाज़ को शेयर किया जाता है. एंड बैबल जो है वो मीनिंगलेस स्पीच होती है और ये जो है वो बर्थ्स टू 3 months to 1 year जो है वो
लीड करती है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बैबल और बैबलिंग स्टेज. नंबर 42, द एबिलिटी टू डील विद न्यू प्रॉब्लम्स एंड इनकाउंटर इज टेक्निकली कॉल्ड एज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जी और जी फैक्टर इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फ्लूइड इंटेलिजेंस. जब भी कोई भी न्यू प्रॉब्लम्स या कोई भी नॉवल सिचुएशन आती है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, तो तब हम फ्लूइड इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं. और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यूजुअली नॉलेज इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, जिसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकली भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है, हम जब किसी भी इवेंट को याद करते हैं, इट्स रिलेटेड टू एकेडेमिकली मोर और रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन. यू कैन रिलेट विद इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. और जी फैक्टर इज बेसिकली अ जनरल फैक्टर, एक पर्सन किसी भी एक खास इंटेलिजेंस में, एक खास किस्म की इंटेलिजेंस में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. जैसे मैकेनिकल स्किल्स अगर किसी की इंपॉर्टेंट है, तो हम कह सकते हैं इसका जी फैक्टर जो है वो इस चीज़ में उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है. इसी तरह कोई स्पोर्ट्स में ज़्यादा है, तो उसका हम कह सकते हैं कि ही इज़ मोर कॉम्पिटेंट इन स्पोर्ट्स, और वो उसकी कमांड जो है, उसकी जनरल जो इंटेलिजेंस है वो इस चीज़ में ज़्यादा है. सो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम्स जब इनकाउंटर करते हैं हम, उनको सॉल्व करने के लिए जो इस्तेमाल होती है एबिलिटी, वो है फ्लूइड इंटेलिजेंस. नंबर 43, द जंक्शन वेयर द एक्सॉन ऑफ अ सेंडिंग न्यूरॉन कम्युनिकेट्स विद अ रिसीविंग न्यूरॉन इज कॉल्ड द ऑप्शन ए, रिअपटेक साइट, ऑप्शन बी रिसेप्टर साइट, ऑप्शन सी साइनैप्स, ऑप्शन डी एक्सॉन टर्मिनल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी साइनैप्स. हमने बहुत ज़्यादा इस डेफिनेशन को सुना है कि साइनैप्स इज द जंक्शन वेयर टू एक्सॉन्स मीट और कम्युनिकेट, और जहाँ पे केमिकल्स की फॉर्म में मैसेज जो है एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन की तरफ पास ऑन होता है, लेकिन एट दैट स्पेस वहाँ पे एक गैप होता है जिसको हम साइनैप्स कहते हैं. नंबर 44, द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑप्शन ए फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, ऑप्शन बी वॉले प्रिंसिपल, ऑप्शन सी डार्क अडैप्टेशन फिनोमेना, ऑप्शन डी लॉ ऑफ क्लोजर एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लॉ ऑफ क्लोजर. Perceptual organization or gestalt psychology, if we talk about, they have focused more on whole rather than its parts. So, if closure is talked about, the law of closure is saying to understand the things in a simplest way. If any thing is missing in its parts, then we tend to consider it as a whole or complete. That is why जो perceptual organization का जो fundamental principle होता है वो law of closure है, और law of closure पे ही gestalt psychology या gestalt principles base करते हैं कि हम हर चीज़ के gaps को fill करके उसको as a whole perceive करते हैं. और dark adaptation phenomena तो बहुत irrelevant है इस topic से, and Wolle principle जो है वो hearing theory है, वो भी इससे relevant है. फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप भी कंसिडर किया जाता है perceptual organization या लॉज में कंसिडर किया जाता है, बट इट्स नॉट द मोस्ट फंडामेंटल. एंड सो द राइट ऑप्शन इज लॉ ऑफ क्लोजर. नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वॉज स्टडीड बाय पावलोव, ऑप्शन ए मैच्योरेशन, ऑप्शन बी एनिमल कॉग्निशन, ऑप्शन सी ऑपरेंट कंडीशन, ऑप्शन डी क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज. द मोस्ट ऑब्वियस is option D classical conditioning. और classical conditioning में वही dog का experiment जो है most prominent है, वही condition unconditioned stimulus को condition किया जाता है, इस तरह से response जो है वो generate किया जाता है. Number 46, advertiser plays beautiful people and likable places and objects with the products they are trying to sell because these items option A distract from disadvantages of the product, option B cause pleasant feelings to be evoked, option C are part of the product's basic qualities, option D are just elements of scenery, and option E none of these. And the right option is option B cause pleasant feelings to be evoked. Advertisements mein usually emotions ko or feelings ko jo hai wo attract kiya jata hai, feelings pe zyada jo hai wo content banaya jata hai taaki products jo hai unki sale zyada ho, unki overall jo hai wo प्रोडक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट इसी तरह से किए जाते हैं जब उसमें
बहुत फेमस लोगों को ऐड किया जाता है, उनकी सिर्फ बेसिकली एलिमेंट ऑफ पर्सुएशन, जब उनको पर्सुएट किया जाता है प्लेजेंट फीलिंग्स उनके अंदर जनरेट की जाती हैं। सो ओवरऑल एडवर्टीजमेंट जो है वो फीलिंग्स और इमोशंस से रिलेट करके बनाई जाती हैं। नंबर 47, द बॉडी इज नेचुरल टेंडेंसी टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इंटरनल बैलेंस और इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ऑप्शन ए अरोजल, ऑप्शन बी ओपनिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी होमोस्टेसिस, ऑप्शन डी इंस्टिंक्ट एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। द राइट ऑप्शन इज ऑब्वियस ऑप्शन ऑप्शन सी होमोस्टेसिस। एंड ओपनिंग प्रोसेस इज बेसिकली थ्योरी रिलेटेड टू विजन, सो इट्स नॉट इट्स ऑब्वियस रिजेक्टेड स्टेटमेंट और ऑप्शन। अरोजल इज बेसिकली बींग अरोज और बींग ओवरली एक्टिव। एंड इंस्टिंक्ट्स आर आवर इननेट एबिलिटीज और आवर इननेट टेंडेंसीज, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी होमोस्टेसिस। नंबर 48, कंसर्न्स विद द मीटिंग स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड अकम्पलिशिंग डिफिकल्ट टास्क रेफर टू द नीड फॉर ऑप्शन ए एफिलिएशन, ऑप्शन बी अचीवमेंट, ऑप्शन सी पार, ऑप्शन डी अपरसेप्शन एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। सो एफिलिएशन बेसिकली होता है कि जब आपको ज़रूरत हो आप सोशल रिलेशनशिप्स बनाओ या फिर आप किसी भी ग्रुप के साथ एफिलिएट करना पसंद करो। इट्स इसमें मेन जो फोकस होता है वो रिलेशनशिप फॉर्मेशन होता है। एंड अचीवमेंट में आपकी प्रायोरिटाइज करते हो, आप अपने गोल्स को, आप गोल ओरिएंटेड होते हो और आपने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क को अकम्पलिश करने के लिए आपने एक गोल सेट किया होता है और आपका मेन कंसर्न यही होता है कि मैंने इस गोल को अचीव करना है। एंड पावर इज रिलेटेड टू प्रेस्टीज, फेम, रिकॉग्निशन, जिसमें आप डोमिनेंसी चाह रहे होते हो, यू वांट टू रूल ओवर अदर्स, दूसरों पे रूल करना जो है उसमें मेन जो है नीड होती है। अपरसेप्शन होता है आप किसी भी न्यू सिचुएशन, न्यू फिनोमेना, किसी भी न्यू एक्सपीरियंस को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेट करके समझते हो। सो हेयर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अचीवमेंट नीड, जिसमें आप चाह रहे होते हो कि आप अपने अकम्पलिश करो टास्क जो कि डिफिकल्ट भी हैं और आप उनको अचीव करके जो है वो बेहतर महसूस करते हो। सो थ्योरी ऑफ नीड जो है वो दी थी मैकलेलन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स डिस्कस किए थे, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर पावर। नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग सेंसरी डेप्रिवेशन। सेंसरी डेप्रिवेशन यूजली क्लिनिकल सेटिंग्स में भी यूज़ की जाती है जब पेशेंट को जो पेशेंट के डिफरेंट सेंसेस जो है वो कुछ टाइम के लिए म्यूट कर दिए जाते हैं। दैट कैन बी थ्रू एनी टूल और दैट कैन बी थ्रू डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, या फिर उनको थोड़ा टाइम के लिए कहा जाता है कि आपने कानों से जो है वो कुछ नहीं सुनना और आपने आंखों से कुछ नहीं देखना, इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स को जो है बिल्कुल महसूस नहीं करना और अपने इनर पे ज़्यादा फोकस करना है। सो हेयर सेंसरी डिप्रिवेशन जो है वो थेरेपी के दौरान जो है फ़ायदा मंद होती है पर्सन को रिलैक्स करने के लिए। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट है प्रोलॉन्ग सेंसरी डिप्रिवेशन। जब प्रोलॉन्ग सेंसरी डिप्रिवेशन होती है तो फिर कौन सी कंडीशन इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होती, ठीक है? इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, ऑप्शन बी सेटिस्फाइंग रिलैक्स फीलिंग, ऑप्शन सी हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन डी कंफ्यूजन एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। सो द राइट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन बी अ सेटिस्फाइड रिलैक्स फीलिंग। जब प्रोलॉन्ग हो जाएगी तो ऑब्वियस है अ पर्सन विल गेट मोर कन्फ्यूज और वो इरिटेट भी हो सकता है, तो उसमें जो है वो सेटिस्फाइड रिलैक्स फीलिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि सेंसरी डिप्रिवेशन शॉर्ट टाइम के लिए होती है और इसमें पर्सन कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कर सकता है अगर उसकी सेंसेस को म्यूट किया जाए, उसको देखने और सुनने को मत ना कहा जाए। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली दैट कैन नॉट गिव सेटिस्फाइड रिलैक्स फीलिंग। और यहाँ पे ऑप्शन में मेंशन है नॉट एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग सेंसरी डिप्रिवेशन और वो है सेटिस्फाइड रिलैक्स फीलिंग। नंबर 50, प्रेजेंस ऑफ अदर्स में इंटरफेयर विद परफॉर्मेंस ड्यू टू ऑप्शन ए सोशल इनहिबिशन, ऑप्शन बी सोशल लोफिंग, ऑप्शन सी डिस्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। And the right option is option D, all of these. Social inhibition में usually ये होता है person feel कर रहा होता है in social settings के इर्द गिर्द के लोग मुझे judge कर रहे हैं और उसकी ये सोच जो है उसकी performance को affect करती है, that can lead to poor performance as well. And social loafing usually group settings में होता है जब एक individual को ये लग रहा होता है कि दूसरे members जो है वो मुझसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं and they can play वेरी गुड रोल और वो खुद अपनी एफर्ट जो है वो लेस एग्जर्ट करता है। और डिस्ट्रैक्शन भी इसी तरह है, जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होती है। सो
Option D, all of these is the right option. Thank you for watching this video. Remaining 50 MCQs or inki explanation ke liye part 2 video must dekhiyega. Thank you.